मालेगाव इलेक्ट्रॉनिक्स नानावटी 1952 पासून सर्व प्रकारची घरगुती उपकरणे आटा चक्की एलईडी लॅपटॉप मोबाईल मिळवण्याचे एक विश्वसनीय ठिकाण मुख्य पोस्ट ऑफिस जवळ वसंतवाडी पांजरापोळ जवळ मालेगाव। सटाणा तालुक्यातील दोदेश्वर व कोटबेल गाव येथील नीचावल पाड येथे दरवर्षीप्रमाणे गोधडनाथांचा उत्सव आज गुरुवार रोजी गुरुपुष्प अमृत योगावर साजरा करण्यात आला। गोधडनाथांची समाधी स्थान नीचावला पहाड दोदेश्वर येथे असून त्यांचे विश्रांती स्थान कोटेबल या गावात आहे। गावाचे कुलदैवत गुरु गोधडनाथ असून दरवर्षी दत्त जयंतीच्या वेळी गावकरी मोठ्या उत्साहात उत्सव साजरा करतात। श्री रामेश्वर शिवालय पाटणीचे प्रमुख तसेच गुरु गोधडनाथाचे परम शिष्य श्री श्री 1008 महंत रमेशपुरीजी महाराज यांच्या प्रेरणेने कोटबेल गावात शोभायात्रा काढण्यात आली। शोभायात्रेत महंत रामेश्वरपुरीजी महाराज व गुरु गोधडनाथांची प्रतिमा स्थापन करण्यात आली होती। सकाळी 10 ते 12 वाजता गाव शोभायात्रा व दुपारी 12 ते 1 वाजता महंत रमेशपुरीजी महाराज यांचे गुरु गोधडनाथांच्या जीवन चरित्रावर प्रवचन झाले। दुपारी 1 नंतर कोटबेल तसेच पंचक्रोशीतील भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला। प्रबंध भूमी महाराष्ट्र न्यूज साठी राजेश धनवट पाटणे। मड़ी की परंपरा है, मड़ी समझता और नहीं समझे अकाड़ा समझे मड़ी आपके बस का काम नहीं है। हमारी बैकुंठी मड़ी है, हम एक ही अकाड़े के है, लेकिन महाराज की मड़ी है, ब्रह्मनाथी मड़ी है, हमारी जो है तो बैकुंठी मड़ी है। तो अपने बाबा जो है तो बैकुंठी मड़ी क्या है, और यहाँ पे नजदीक ही बैकुंठ धाम है ना, क्या है। आड़ जले जैसी लकड़ी की मोली, बाल जले जैसी घास की पोली, इस तन धन की कौन बढ़ाई। बातें हो गए सब, अभी मैं थोड़ा उजाल देता हूँ। आड़ जले जैसी लकड़ी की याच प्रकारच्या बातम्या पुढेही आपल्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा प्रबंधगुरू चॅनल सबस्क्राइब करा आणि या बातमीला जास्तीत जास्त शेअर करा।